हेलो, इस वीडियो में हम होम टैब के फॉन्ट ग्रुप के बारे में जानेंगे। तो फॉन्ट ग्रुप में सबसे पहली कमांड जो है वो बोल्ड कमांड है। बोल्ड का मतलब होता है अगर हम टेक्स्ट को डार्क में करना चाहते हैं तो हम बोल्ड कमांड का यूज़ करेंगे। जैसे सपोज करो, ये जितनी भी हेडिंग है, जैसे नेम है, पेपर वन, पेपर टू, ये पेपर थ्री, टोटल, इसको हमने क्या करना है, बोल्ड में करना है। तो इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद या तो कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस बी प्रेस करेंगे या यहाँ से बी प्रेस करेंगे। बी प्रेस करने के बाद ये देखो, यहाँ पे ये बोल्ड में हो जाएगा, ये जितना भी था ये डार्क में हो जाएगा। तो ये हम बोल्ड कमांड के ज़रिए कर सकते हैं। इसके बाद अगर ये बोल्ड कमांड यहाँ से हटानी है तो हम फिर यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद बी पे क्लिक करेंगे। बी पे क्लिक करने के बाद ये देखो, बोल्ड कमांड यहाँ से हट जाएगी। अगली जो कमांड है वो है इटैलिक। तो इटैलिक कमांड को हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस आई से ओपन कर सकते हैं या हम आई बटन पे क्लिक करके इसको कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये क्या होगा, जितना भी ये टेक्स्ट है ये टेढ़ा हो जाएगा। टेक्स्ट को टेढ़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, आई पे क्लिक करेंगे। इटैलिक कमांड यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये देखो, आई पे क्लिक किया। आई पे क्लिक करने के बाद ये जितना भी टेक्स्ट था ये यहाँ पे इटैलिक में हो जाएगा। अगर हम यहाँ से इटैलिक कमांड को हटाना चाहते हैं तो फिर से हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आई पे क्लिक करेंगे। आई पे क्लिक करने के बाद ये इटैलिक कमांड यहाँ से हट जाएगी। इसके बाद है अगली कमांड है अंडरलाइन की। तो अंडरलाइन को हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस यू से ओपन कर सकते हैं या हम यहाँ से भी अंडरलाइन अपने टेक्स्ट को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये टेक्स्ट है हमारे पास हेडिंग का, यहाँ पे हमने सभी के लिए अंडरलाइन अप्लाई करनी है। तो अंडरलाइन के लिए हम यू पे क्लिक करेंगे। यू पे क्लिक करने के बाद ये देखो, यहाँ पे जितने भी ये हेडिंग है तो इनके लिए अंडरलाइन यहाँ पे आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे ये जो हेडिंग है इनको डबल अंडरलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो हम यू के यहाँ पे मोर बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे लिखा हुआ है डबल अंडरलाइन। तो इसको करने के लिए, डबल अंडरलाइन अप्लाई करने के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद मोर बटन पे जाएंगे यू के, इसके बाद डबल अंडरलाइन यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखो, ये जो हमने सेलेक्ट किया था यहाँ पे डबल अंडरलाइन आ जाएगी। डबल अंडरलाइन आने के बाद यहाँ पे यू की जगह डी आ जाएगा। डी का मतलब है कि डबल अंडरलाइन यहाँ पे आ जाएगी। अगर हमने इसको हटाना है तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे मोर बटन पे क्लिक करेंगे और अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे। फिर हम यहाँ पे अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये अंडरलाइन यहाँ से हट जाएगी। इसके बाद आगे है बॉर्डर। अगर हम चाहते हैं कि ये जो सेल है, ये नेम वाला सेल, इसमें बॉर्डर लगाना है, बॉटम में, टॉप में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, तो ये कैसे करेंगे। यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद बॉर्डर पे क्लिक किया। यहाँ पे बॉटम बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर का मतलब है कि ये जो बॉर्डर है ये सेल के यहाँ पे नीचे यहाँ पे लग जाएगा। ये देखो, ये बॉटम बॉर्डर, यहाँ पे ये बॉर्डर लग जाएगा, ये बॉटम में लग गया। इसके बाद टॉप में करना है, ऊपर करना है बॉर्डर, तो यहाँ पे क्लिक किया, बॉर्डर पे गए, टॉप बॉर्डर, टॉप बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद ये देखो, यहाँ पे बॉर्डर ऊपर लग गया। अब लेफ्ट साइड करना है, यहाँ पे क्लिक किया, बॉर्डर पे गए, लेफ्ट बॉर्डर, तो ये लेफ्ट साइड, ये देखो लेफ्ट साइड बॉर्डर लग जाएगा। अब यहाँ पे राइट साइड बॉर्डर लगाना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे बॉर्डर पे और राइट बॉर्डर, ये देखो राइट बॉर्डर, तो इस सेल के लिए यहाँ पे बॉर्डर लग गया। अगर हम इस बॉर्डर को हटाना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे क्लिक किया और बॉर्डर पे गए और इसके बाद नो बॉर्डर, नो बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद ये देखो, यहाँ से बॉर्डर जितना भी हमने लगाया था वो यहाँ से हट जाएगा। अगर हम इस सारे टेक्स्ट को बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ये सारा सेलेक्ट किया, बॉर्डर पे गए। बॉर्डर पे जाने के बाद ऑल बॉर्डर्स यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखो, जितना भी यहाँ पे डेटा था
इसमें सारे में बॉर्डर लग गया। लगने के बाद अगर इसको हमने हटाना है, कंट्रोल जेड ये हमने प्रेस किया, प्रेस करने के बाद ये यहाँ से बॉर्डर हट जाएगा। इसके बाद आगे है आउट साइड बॉर्डर। आउट साइड बॉर्डर का मतलब ये होता है जैसे ये जितना भी डेटा है इसके आउट साइड में बॉर्डर लगाना। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, ये सारा सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ये जो बॉर्डर है ये आउट साइड में अप्लाई होगा, बाकी इसके अंदर जो है ये बॉर्डर नहीं आएगा। यहाँ पे बॉर्डर पे जाएंगे, बॉर्डर पे जाने के बाद आउट साइड बॉर्डर यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखो ये जितना भी बॉर्डर है ये आउट साइड यहाँ पे लग जाएगा। ये देखो यहाँ पे आउट साइड बॉर्डर यहाँ पे लग गया। इसके बाद बॉर्डर में और बहुत से ऑप्शन है, पहले इसको अंडू करेंगे। अंडू किया, ये बॉर्डर यहाँ से हट जाएगा। ये देखो जितना भी बॉर्डर था यहाँ से हट गया। इसके बाद बॉर्डर में यहाँ से बहुत से ऑप्शन है जैसे थिक आउट साइड बॉर्डर। थिक आउट साइड बॉर्डर इस ऑप्शन का मतलब ये होता है कि ये जो आउट साइड बॉर्डर है ये डार्क में हो जाएगा। इसके बाद है बॉटम डबल बॉर्डर, इसका मतलब ये होता है कि बॉटम का जो बॉर्डर है ये डबल में हो जाएगा। इसके बाद है थिक बॉटम बॉर्डर, तो थिक बॉटम बॉर्डर का मतलब होता है कि जो नीचे का बॉर्डर है टेक्स्ट का वो जो है इसमें डार्क में आ जाएगा, उसको बोला जाता है थिक बॉटम बॉर्डर। इसके बाद आ गया है टॉप एंड बॉटम बॉर्डर। यहाँ से इस ऑप्शन को जब हम लेंगे तो टेक्स्ट का जो टॉप का बॉर्डर होगा वो आएगा और जो बॉटम का है वो आएगा। इससे आगे जो है टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर, इसका मतलब ये है जो टॉप का है वो बॉर्डर आएगा और जो बॉटम का बॉर्डर है वो डार्क में आएगा, उसको बोला जाता है टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर। इसके बाद है टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर, इसका मतलब ये होता है कि जो टॉप का बॉर्डर वो आएगा एंड डबल बॉटम बॉर्डर, जो बॉटम का बॉर्डर है टेक्स्ट का वो डबल में आएगा, टॉप में सिंगल आएगा और जो बॉटम में आएगा वो डबल में आएगा बॉर्डर। तो ये सभी बॉर्डर के यहाँ पे ऑप्शन है। इसके बाद ड्रा बॉर्डर, ड्रा बॉर्डर ये पेंसिल के जरिए अगर हमने बॉर्डर ड्रा करना है यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सपोज करो यहाँ पे हमने ये जो सेल है नेम वाला यहाँ पे बॉर्डर ड्रा करना है, तो ये देखो पेंसिल आ गई, यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये देखो टॉप में बॉर्डर लगा, ये लेफ्ट साइड यहाँ पे बॉर्डर लगा, बॉटम में यहाँ पे बॉर्डर लग गया और ये राइट साइड ये बॉर्डर लग गया। तो हम ड्रा बॉर्डर पेंसिल के जरिए भी हम बॉर्डर को ड्रा कर सकते हैं। इस बॉर्डर को हटाने के लिए अंडू करेंगे, जैसे यहाँ पे ये हटा दिया। इसके बाद है ड्रा बॉर्डर ग्रिड। ड्रा बॉर्डर ग्रिड इसका मतलब ये होता है कि हमने कितनी जगह हमने बॉर्डर ग्रिड ड्रा करना है, जैसे सपोज यहाँ तक हमने बॉर्डर ग्रिड ड्रा करना है, तो ये देखो ये बॉर्डर ग्रिड यहाँ पे ड्रा हो जाएगा। तो इस प्रकार हम पेंसिल के जरिए बॉर्डर ग्रिड ड्रा कर सकते हैं। इसको यहाँ से अंडू किया, अंडू करने के बाद और इरेज बॉर्डर। इरेज बॉर्डर का मतलब ये होता है अगर हमने बॉर्डर लगाया हुआ है तो यहाँ पे क्लिक करके उस बॉर्डर को यहाँ से हटा सकते हैं। इसके बाद है लाइन कलर। लाइन कलर का मतलब ये है कि हम जो बॉर्डर है वो कलर में लगाना चाहते हैं, तो ये कलर यहाँ पे दिए गए हैं। सपोज़ करो हम ये रेड यहाँ पे कलर लेंगे, यहाँ से हम बॉर्डर लगाना चाहते हैं, जैसे टॉप में बॉर्डर लगाना है, ये देखो इस सेल के लिए, तो ये टॉप में बॉर्डर यहाँ पे लग गया। अब बॉटम में लगाना है, अब लेफ्ट साइड लगाना है तो ये लेफ्ट साइड लग गया, अब राइट लगाना है तो ये राइट लग गया। तो हम कलर में भी बॉर्डर यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद इसको अंडू किया, ये अंडू किया, अंडू करने के बाद अगला जो ऑप्शन है वो है लाइन स्टाइल। लाइन स्टाइल का मतलब यह है कि जो वो हमने बॉर्डर लगाना है वो किस लाइन स्टाइल में लगाना है। ये सभी हमारे पास लाइनें हैं, तो कौन सी लाइन चाहिए, सपोज करो ये वाली लाइन चाहिए, तो अब जो हम बॉर्डर लगाएंगे इस स्टाइल में आएगा। ये देखो इस स्टाइल में आ गया। इसके बाद यहाँ पे क्लिक किया, इस स्टाइल में ये लाइन आ रही है। इसके बाद इस स्टाइल में किया, इस स्टाइल में ये लाइन आ रही है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक किया, इस स्टाइल में ये लाइन आ रही है। तो इस प्रकार हम लाइन को चूज़ करके यहाँ पे बॉर्डर सेट कर सकते हैं। इसको अंडू किया, अंडू करने के बाद इसके बाद है फिल कलर। फिल कलर का मतलब ये होता है ये जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है इसकी जो बैकग्राउंड में
अगर हम कोई भी कलर यहाँ पे सेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे फिल कलर पे जाएंगे और वो फिल कलर यहाँ पे आ जाएगा। सपोज़ करो ये जो हेडिंग है, इस हेडिंग को हमने सेलेक्ट किया, तो हम यहाँ पे फिल कलर यहाँ पे जाएंगे। कौन सा कलर फिल करना है ये देखो, जो भी कलर यहाँ पे फिल करना है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये कलर यहाँ पे फिल होके आ जाएगा, ये देखो। तो इस प्रकार हम यहाँ से कलर को फिल कर सकते हैं। अगर इस टेक्स्ट के बैकग्राउंड कलर को हटाना है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद फिल कलर यहाँ पे जाएंगे, इसके बाद नो फिल यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये देखो ये कलर यहाँ से हट जाएगा। इसके बाद है अगला है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर का मतलब ये होता है, जैसे ये हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, नेम, पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री, टोटल, इसको हमने कलर देना है। तो इसको क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद फॉन्ट कलर यहाँ पे जाएंगे, और कौन सा कलर इसके लिए देना है ये देखो, सभी कलर है, जो कलर हमने देना है वहाँ पे क्लिक करेंगे, वो कलर यहाँ पे आ जाएगा, ये देखो ये कलर यहाँ पे अप्लाई हो गया। तो इस प्रकार हम यहाँ पे कलर यहाँ पे फॉन्ट के लिए सेट कर सकते हैं। इसके बाद इसको अगर हटाना है, फिर इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद फॉन्ट कलर यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लिक किया, तो ये देखो ये कलर यहाँ से हट जाएगा। इसके बाद है फॉन्ट। फॉन्ट कमांड का मतलब ये होता है, जैसे हमने यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, पेपर वन लिखा हुआ है, पेपर टू लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये जितनी भी है ये हेडिंग लिखी हुई है, इस हेडिंग को हम दूसरे फॉन्ट में चेंज करना चाहते हैं, किसी और स्टाइल में लिखना चाहते हैं, तो यहाँ से बहुत से फॉन्ट दिए गए हैं। जैसे इसको पहले सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद फॉन्ट पे जाएंगे, फॉन्ट पे जाने के बाद ये बहुत से फॉन्ट यहाँ पे दिए गए हैं। सपोज करो हमें ये फॉन्ट चाहिए, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, तो ये देखो ये फॉन्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो अगर हम फॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे फॉन्ट पे जाएंगे और उसको यहाँ से चेंज कर देंगे। इसको अंडू किया। इसके बाद आगे है फॉन्ट साइज़। फॉन्ट साइज़ का मतलब ये होता है, अगर हम फॉन्ट का साइज़ कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये हम यहाँ पे जाके कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सपोज करो ये हेडिंग का फॉन्ट साइज़ हमने ज़्यादा करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉन्ट साइज़ पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद जैसे सपोज करो 14 रखना है तो 14 पे क्लिक करेंगे, तो ये देखो यहाँ पे फॉन्ट साइज़ जो है वो 14 में आ जाएगा। तो इस प्रकार हम फॉन्ट साइज़ को कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद इसको अंडू किया। अंडू करने के बाद अगला जो है वो है इंक्रीज़ फॉन्ट साइज़। अगर हम यहाँ से इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हम फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इंक्रीज़ फॉन्ट साइज़ ये देखो, जब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद यहाँ से फॉन्ट साइज़ बढ़ जाएगा, ये देखो ये फॉन्ट साइज़ बढ़ रहा है, ये देखो फॉन्ट साइज़ बढ़ रहा है। अगर हम इसको कम करना चाहते हैं तो हम फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद अगला जो है वो है डिक्रीज़ फॉन्ट साइज़, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फॉन्ट साइज़ कम होता जाएगा, ये देखो फॉन्ट साइज़ जो है वो कम होता जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ या फॉन्ट साइज़ को डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर, फिल कलर, फॉन्ट साइज़, इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ फॉन्ट साइज़ के बारे में जाना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।